सर्दी के इस मौसम में इस समय वायरल बुखार का दौर चल रहा है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ पड़ रही है। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि थोड़ी सी सावधानी और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले घरेलू मसालों से न सिर्फ बीमारियों को ठीक किया जा सकता है बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। आयुर्वेद के जानकार मानते हैं कि अदरक, हल्दी, अलसी, दालचीनी जैसी चीज़ों का उचित मात्रा में उपयोग कर बीमारियों से बचा जा सकता है। घरेलू मसालों का उपयोग कर वायरल फीवर, सर्दी, जुखाम, खांसी, देसी बीमारियों का इलाज तो किया जा सकता है बल्कि हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। अभी जो ठंड में और हार्ट अटैक के केसेस जो बढ़ने में देखने में आए थे, इसके बाद हमारे जो समाचार पत्र हैं इन्होंने भी काफ़ी कुछ अदरक, लहसुन और हल्दी के बारे में लिखा है और हमारे जो आयुर्वेदिक विज्ञान के जो MD डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कुछ पब्लिकेशन में अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें अदरक, लहसुन और हल्दी के कई सारे फ़ायदे गिनाए गए हैं। हमारे पुरातन आयुर्वेद से भी हमारे जो परिवार है इसमें कई तरह के नुस्खे चल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बेनिफिट हैं। जो मसाले हम ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट आजकल अखबारों में दिखाए जा रहे हैं। तो जो हमारी रूटीन लाइफ है उसमें नॉर्मल बॉडी चेकअप और एक अच्छे कंसल्टेशन, डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ साथ में जो हमारे आयुर्वेदिक MDs के द्वारा जो अदरक और इसके इस्तेमाल पे जोर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें उसे भी पैरेलली साथ में लेके चलना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में कई सुधार होने को देखा जा सकता है।